नमस्कार, केकेआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरती। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मंडला जिले के निवास में खीरबाई मंदिर निवास के प्रांगण में युवाओं द्वारा महान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु की शहादत की पुण्यतिथि शहीद दिवस के रूप में मनाई गई। युवाओं द्वारा इन महान क्रांतिकारियों को याद किया गया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। उनके देश के प्रति सच्ची भक्ति, सेवा और उठाए गए साहसी कदम को लोगों के बीच दोहराया गया और सदैव समय के अंत तक इतिहास में दोहराने की बात कही गई। युवा अभिषेक ठाकुर ने कहा कि 14 फरवरी 1931 को तीनों शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी और यह तीनों युवा देश के लिए हंसते हुए फांसी पर झूल गए थे। देश की आजादी में कुर्बानी देने वाले इन शहीदों की शहादत को भुलाया नहीं जा सकता। आज का दिन भारतवासियों को याद दिलाता है कि युवाओं ने कैसे देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी थी। इस शहीद दिवस पर आज खीरमाई मंदिर निवास के प्रांगण में अभिषेक ठाकुर, शुभांशु बरकड़े, आशीष परस्ते, नीलेश ठाकुर आदि जन मौजूद रहे। निवास से संवाददाता देवेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।